इत्तेफाक की बात है कि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, और इसी हफ्ते में पिछले पिछले 4-5 दिन में मैंने मैंने रफ्तार का भी अभी लाइव चैट किया है और बादशाह का भी मैंने लाइव चैट किया है। और इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया था एक ग्रुप के साथ में, जिसमें आप तीनों साथ में थे। और और भी लगे थे। जब मेरी बात जी जब मेरी बादशाह से मेरी बात हुई, बादशाह ने कहा कि उनको बहुत खुशी है कि आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है। हनी बाजी जो है लुकिंग रियली गुड एंड इज कमिंग अप विद गुड सॉन्ग्स। रफ्तार ने भी यही कहा कि हम लोग का बहुत अच्छा, हम लोगों ने एक शुरुआत हम लोगों ने साथ में करी थी, और अगर मौका मिलेगा तो आगे भी हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं कि आप लोगों ने साथ में आपने शुरुआत करी थी, आप लोग अपने अपने फील्ड में आज के टाइम पे यू आर ऑन टॉप राइट नाउ, यू सीन द बिग एंटरप्राइज, हाउ डू लुक बैक एट दैट कोलैबोरेशन विद बादशाह एंड रफ्तार? बहुत बहुत मजे की, हमारी बहुत अच्छी यारी थी, अभी भी है, और बहुत बहुत मजे का शुरुआत थी। वो दिन बहुत ही कमाल थे, मतलब हम लोग पागलों की तरह गाने बनाते रहते थे और कुछ करते ही नहीं थे, तो बहुत अच्छा वक्त था वो। आज भी वक्त बहुत अच्छा है। क्या होता है सर, मेरी ये सोच है कि हर इंसान का दाना पानी, उठना बैठना, खाना सोना एक हद तक एक लोगों का तय है, वो जर्नी उसकी इकट्ठे है, उसके बाद जर्नी अलग भी होती है। तो हमारी शुरुआत सबके साथ में, मजे की बात है कि सब लड़के कामयाब, सबने अलग अलग मेहनत करी, शुरुआत साथ में करी, उसके बाद अलग अलग रास्ते चूज किए, सबने मेहनत करी और सब लड़के कामयाब है। इनफैक्ट और भी लड़के, अनिल गोलू, इक्का और अल्फाज, हम सब एक ही गैंग के लड़के थे। सब गैंग ही था, एक हमारा प्लेटफॉर्म था, एक थॉट था मेरा कि कोई भी उसके अंदर लीड सिंगर ना हो, कोई भी बैकिंग आर्टिस्ट ना हो, सब लोग बराबर हो। वो बड़ा मजेदार वक्त है सर, वो गाने बहुत अच्छे बने उस वक्त पे भी, और आज भी सारे लड़के, जब सारे भाई हैं मेरे, छोटे हैं मेरे से उम्र में, तो बहुत खुशी होती है। तो जैसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी, जैसे अभी क्या होता है कि आप लोग स्टार्ट करते हैं, एक लड़कपन होता है, यंग एज होती है, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आपने भी एक सर्टेन फेज देखा है, जिससे डेफिनेटली आज का टाइम जो आप वैल्यू करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक टाइम था जब तबीयत आपके आपका थोड़ी सी नासाज रही, और फिर ऑब्वियसली यू मस्ट बी वैल्यूइंग दैट टाइम मच मोर। और बादशाह की भी सर्टेन फेज रहा है कि सर्टेन चीजें होती हैं, कि क्रिटिसिज्म होता है टाइम्स, अनफेयर होता है, फेयर होता है, जो भी है। तो अभी एक ग्रोथ करता है अपनी पर्सनली भी, एज अ पर्सन भी ग्रोथ करता है, रफ्तार का भी ये सेम चीज है। तो एक जो ये एक सर्टेन एज पे आके, एक सर्टेन स्टेज पे आके यार, जब आप पास्ट को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद सिर्फ प्लेजेंट मेमोरीज को ही लोग शायद मेरे ख्याल से याद रखते हैं। और क्या ऐसा हम देख सकते हैं कि आप लोग फिर से कोलैबोरेट करें? डेफिनेटली इंशाल्लाह, डेफिनेटली इंशाल्लाह, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल।